कल तो ट्रेलर देखा था लोगों ने, आज पूरी फिल्म दिखाऊंगी उन्हें। आई एम श्योर मैम, लेकिन मुझे तो इन पे शक होता है। आई मीन ये लोग कोर्ट आएंगे भी, क्योंकि जिस तरह इनसे कल किसी सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा था, से लगता नहीं कि आज भी इनकी कुछ हिम्मत पड़ेगी। मैम, गुड मॉर्निंग मिस्टर गोयनका, आप मिठाई नहीं लेके आए अपने साथ? आफ्टर ऑल केस आपके ही फेवर में, तो आज ये केस खत्म कर दीजिए आप। श्योर, और डिसीजन भी आपके ही फेवर में होगा? वो जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल मेरी बात सुनिए प्लीज, ध्यान से, और कोर्ट में भी ध्यान रखना कहते हुए। श्योर, बताइए। आप नायरा के साथ जरा भी मिसबिहेव नहीं करेंगी। एक्सक्यूज मी, कोई बदतमीजी नहीं, कोई ऐसा सवाल नहीं जिससे वो अनकंफर्टेबल हो, ऐसा कुछ नहीं। आप और आपका इमोशनलिज्म, एक दिन आपको जरूर ले डूबेगा मिस्टर गोयनका। आप प्लीज मेरी बात सुनेंगी प्लीज? श्योर, बताइए। इतना बड़ा फैसला ले लिया और उसे बता भी दिया, उसके बाद तो उसे शांत हो जाना चाहिए ना नायरा, उसे इनफैक्ट कोर्ट भी नहीं आना चाहिए, पर देख कैसे गुस्से में, अभी भी लड़ाई के मूड में। पता नहीं क्या समझा रहा है नायरा वो अपने लॉयर को, और वो ड्रामेबाज कम है कि और भड़का रहा है उसे कार्तिक। कायरव तेरा बच्चा है और सबसे ज्यादा हक उस पे तेरा ही है। मैं फैसला ले चुकी हूँ भाई, आप अगर पीछे हट गई ना तो अपनी नजरों में गिर जाओगी। नायरा, नायरा प्लीज, तू इमोशनल मत हो नायरा, प्लीज थोड़ा प्रैक्टिकली सोच। रिश्ते हमारे हैं भाई, इमोशंस तो जुड़ेंगे ही ना। तुझे लग रहा है कि उसके इमोशंस जुड़े हुए? नायरा उसने ईगो पे लेके रखा है, कुछ भी हो जाए उसे सिर्फ जीतना है नायरा। कोई हर्ट हो, कोई कितनी भी बेइज्जती महसूस है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता नायरा। बेटे के प्यार में सब जायज है भाई, मेरा इमोशनल होना भी और उसका गुस्सा होना भी। चलिए भाई अंदर चलते हैं, अब जो होगा वहीं पे होगा। प्लीज शुरू कीजिए। योर ऑनर, सबसे पहले तो मेरी क्लाइंट मिस नायरा ऑनरेबल कोर्ट से माफी मांगना चाहती है, कल अनजाने में जो उनसे गलती हुई उसके लिए। आई एम सॉरी जज सर। मिस्टर गोयनका, कायरव को अपने से दूर ना जाने देने का ये आखिरी मौका है आपके पास। अगर ये मौका आपने गवा दिया ना तो कायरव को हमेशा के लिए गवा बैठे। योर ऑनर, इससे पहले कि मिस्टर कुमार आगे की कोई भी दलील पेश करें, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी कल की बची हुई बात पूरी करने का मुझे मौका दिया जाए। कल मिस नायरा सिंघानिया मेरे सवालों का जवाब दिए बिना ही कोर्ट छोड़ के चली गई थी। योर ऑनर, परमिशन ग्रांटेड। तो मिस नायरा, कल आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोगों का नजरिया आपके लिए जो है वो सही है, कि आप सचमुच भगौड़ी हैं। सरेआम भरे कोर्ट के सामने चलती बहस के बीचों बीच आप एक बार फिर भाग गई। एक अबला नारी का विक्टिम कार्ड कितनी अच्छी तरह से खेलती हैं आप, सारे जमाने को अपने झांसे में फंसा लेती हैं। कुछ भी कहिए मिस नायरा, है कमाल आप, कमाल की चलाक, कमाल की मैन्युपुलेटिव और कमाल की लकी भी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आज तक मेरे क्लाइंट कार्तिक गोयनका ने आप पर कोई केस नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया। वो तो बात जब उनके बच्चे पे आई तो उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि बिना इसके आपसे जीतना इम्पॉसिबल है। आप एक बहुत केयरलेस माँ है मिस नायरा सिंघानिया, आपका बेटा बिना बताए कई बार घर से भाग चुका है, कई बार किसी और का फोन लेके अपने पापा को फोन कर चुका है, और हर बार कार्तिक गोयनका ने उन्हें आप तक पहुंचाया है। एम आई राइट मिस नायरा? And speaking of my client, Mr. Kartik Goenka ने आज तक आप पर कोई ज्यादती नहीं की, आपको सर आंखों पर बिठा कर रखा, हर फैसले में आपका सपोर्ट किया,
और आपने इसके बदले में उन्हें क्या दिया? धोखा, तकलीफ, दुख और गिल्ट। आप एक अच्छी बीवी और एक माँ तो दूर, आप एक अच्छी इंसान भी नहीं है मिस नायरा सिंगारिया। यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड अ गुड। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी नायरा के बारे में कुछ कहने की? मोरे सैया रहना ना बीते बने, मोरे सैया रहना ना रूठे मने। ये क्या हो रहा है? आपने अपने क्लाइंट्स को समझाया नहीं कि ऐसा करना अदालत की तोहिन होती है? ये इंटेंशनल नहीं था, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मिस्टर गोयनका, ये कोर्ट है, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ हियर। जी सर, सॉरी सर, पर मुझे कुछ कहना है। देखिए, आपको जो कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। अदालत का वक्त बहुत कीमती है मिस्टर गोयनका, जल्दी कहिए जो कहना चाहते हैं आप। नायरा बुरी मां नहीं है। आप सब उसे जानते नहीं है, इसे सब सोच रहे हैं, पर हम जो लोग उसे जानते हैं वो इस बात को अच्छे से मानते हैं कि वो अच्छी है, हमेशा से थी अच्छी बेटी, अच्छी बहू और अब एक अच्छी मां, बहुत अच्छी मां, बेस्ट। बहुत किस्मत वाला है मेरा बच्चा कि नायरा उसकी मां है। मैं मानता हूं हमारे बीच में इश्यूज है, लीगल केस लड़ रहे अपने बच्चे की कस्टडी के लिए, लेकिन हमारी लड़ाइयां, हमारे इश्यूज, मेरा गुस्सा, मेरी शिकायतें, मेरा एतराज, सब अपनी जगह है। और ये सच अपनी जगह है कि नायरा एक बहुत अच्छी इंसान है। आई नो मैंने बहुत बुरा बिहेव किया उसके साथ, हमारी लड़ाइयां हुई है जिसमें बहुत कुछ कह दिया मैंने उसे, वो हमारी पर्सनल लड़ाइयां थी, पर फिर भी मुझे नहीं कहना चाहिए था उसे, बहुत बहुत बुरा लगा होगा उसे। सॉरी, पर नायरा वो निकल जाता है कभी कभी गुस्से में, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, प्लीज माफ कर दो। उसके लिए तुम्हें जो सजा देनी तुम दे सकती हो मुझे, पर वो हमारा आपस का मामला होगा, उसमें मैं कोर्ट इन्वॉल्व नहीं है। पर यहां इस कोर्ट में उस पर अगर गलत इल्जाम लगाया जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। इस दुनिया में किसी को भी हक नहीं है कि एक माँ के अच्छे बुरे होने पे उंगली उठाए, उस पे सवाल करे। कायरव से मिले हुए बहुत कम वक्त हुआ मुझे याराना, अभी अभी तो मिला अपने बच्चे से, और इतने कम वक्त में इतना अटैचमेंट हो गया हमारा। उसके दूर जाने के बारे में सोचता भी हूँ ना तो पागल हो जाता हूँ, मैं बौखला जाता हूँ, बर्दाश्त नहीं होता मुझे। तो सोचिए नायरा पे क्या बीती होगी जब उसे लगा होगा कि उसका बच्चा उससे छीना जा रहा है। एक पल के लिए सही, लेकिन कितनी डरावनी फीलिंग है ना, कितना खराब लगता है, स्पेशली उस इंसान के लिए जिसने अपनी सारी जिंदगी अपने अपने बच्चे के आसपास लगा दी। I'm sure, जिस दिन से कायरव पैदा होगा तब से लेकर आज तक सोते जागते उठते बैठते उसने सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचा, जो भी किया सिर्फ अपने बच्चे के लिए। मेरे बच्चे की माँ है सर, लेकिन माँ बाप दोनों का फर्ज निभाया उसने, मैं नहीं था ना वो, लेकिन उस सब के बावजूद कभी जताया नहीं है बात।
ना मेरे हक में कोई कमी रखी। और मैं एक मां से उसके जीने की वजह छीन रहा था। अंधा हो गया था अपनी ईगो में, और कुछ सूझा ही नहीं तो केस कर दिया उस पर, अपनी बच्चे की मां पर केस कर दिया। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और नायरा सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी। सिर्फ एक माँ का इतना बड़ा दिल हो सकता है कि अपने बच्चे की भलाई के लिए उससे दूर जा सके। नायरा कायरव की कस्टडी, उसकी सोल कस्टडी मुझे देने को तैयार है, और ये बात उसने खुद कही है मुझे। मैं बदला लेना चाहता था जज साहब, 5 साल तक तड़पा हूं मैं, अपनी बीवी से अपने बच्चे से दूर रहा, उस बात का बदला लेना चाहता था, और वही नायरा हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वो बुरी मां नहीं है, मैं एक बुरा बाप। इस सब की वजह हमारी लड़ाई या हमारे झगड़ों के वजह से कायरव को कितनी तकलीफ हो सकती है, मैंने कभी सोचा ही। अगर नायरा मुझे नहीं समझाती, मेरे अंदर के इंसान को नहीं जगाती, तो मुझे कभी नहीं पता चलता। थैंक गॉड उसने मुझे बताया, मुझे समझाया कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आज उन सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूं, और शुरुआत इसी केस से करना चाहता हूं। मैंने अपने लॉयर मिस दामिनी मिश्रा से कहा भी था कि मुझे एक केस विड्रॉ करना है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसने नायरा के बारे में इतना भला बुरा कहा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। एनीवेज, अगर आज भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है तो आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मैं ये केस अभी इसी वक्त विड्रॉ करना चाहता हूं, और कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि कायरव की कस्टडी, उसकी सोल कस्टडी उसकी मां नायरा सिंघानिया को दे दे। एक बात और सर, अबॉर्शन के लिए जाने की वजह जो भी रही हो, आई एम श्योर वो नायरा का लास्ट ऑप्शन रहा होगा। कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा, उसके साथ बहुत मुसीबत झेली होगी, तो ही वो उस कंक्लूजन पे गई होगी, वरना कभी नहीं करती वो। नायरा, जो भी मेंटल फिजिकल जिस भी तकलीफ में रही होगी, तो आई एम सॉरी कि मैं वहां नहीं था, आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें वो सारी तकलीफ अकेले झेलनी पड़ी, अकेले बर्दाश्त किया है सब। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।